الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس طرح دنیا کی چیزوں کو محنت کر کے بنایا جا سکتا ہے بڑھایا جا سکتا ہے اسی طرح ایمان کو بھی اور اللہ سے اپنے تعلق کو بھی بنایا جا سکتا ہے اور بڑھایا جا سکتا ہے ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے کہ ہم ہر چیز کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ اسی فطری جذبے کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ترقی کرتی جا رہی ہے جیسے مکانوں میں انسان پہلے رہتا تھا آج ان سے بہت بہتر مکانوں میں رہتا ہے جیسے کپڑے پہلے پہنے جاتے تھے آج ان سے بہت بہتر کپڑے پہنے جاتے ہیں جیسے کھانے کھائے جاتے تھے آج ان سے بہت بہتر کھانے پکائے اور کھائے جا رہے ہیں ہر چیز بہتر ہو رہی ہے اسلامی شریعت جو فطرت کے راستے میں رکاوٹیں نہیں کھڑی کرتی فطری جذبوں کو پورا کرنے کا ایسا طریقہ سکھاتی ہے جس میں سلیقہ ہو اور اعتدال ہو اور سب پہلوؤں پر نظر ہو انسان کی نظر خود سے سب پہلوؤں کی طرف نہیں جاتی ہم اگر سامنے کی طرف دیکھتے ہیں تو پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتے ہم دائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف نہیں دیکھ پاتے اسی طرح ہماری زندگی کی ترتیب کا معاملہ ہے
हम अगर लज्जतों की तरफ, ख्वाहिशों की तरफ देखने लगते हैं तो दूसरों के हुकूक की तरफ से हमारी निगाह हट जाती है। अपनी खुशियों और अपनी मस्तियों की तरफ जब हम तवज्जो कर लेते हैं तो हमारी नज़र दूसरों के नाजुक एहसासात की तरफ से हट जाती। हो सकता है कि हम अपनी लज्जतों और मस्तियों में मस्त हों और उसी वक्त किसी गरीब पड़ोसी या रिश्तेदार की या रास्ते से गुज़रने वाली की नज़र हम पर पड़े तो उसका दिल टूट जाए, दिल दुख जाए। इसीलिए इंसान एक ऐसे रहबर का मोहताज है जिस रहबर की नज़र एक ही वक्त में सब पहलुओं पर पड़ती हो, एक पहलू भी उसकी निगाह से ओझल न होता। कौन सा काम करने से हमारे बदन पर, हमारी रूह पर, हमारे घर वालों पर, हमारे मुतालिकीन पर, हमारे पड़ोसियों पर, हमारे मोहल्ले पर, हमारे मुआशरे पर, हमारे मुल्क पर और पूरी इंसानियत पर और पूरी मखलूक पर अच्छा असर पड़ेगा और कौन सा काम करने से इन सब पर बुरा असर पड़ेगा, इस बात की समझ तन्हा इंसान को नहीं हो सकती। ये तो एक ऐसी ज़ात की ज़रूरत है जो हर तरफ हर वक्त देखती हो, जिसकी नज़र हर पहलू पर पड़ती हो और वो ज़ात इंसानों के पैदा करने वाले के सिवा और कोई नहीं हो सकती। वो इंसान बहुत समझदार है जो अपनी ज़िंदगी के शुरू ही में, इब्तदाई हिस्से ही में इस बात पर तफसील से, संजीदगी से और गहराई से गौर करके ये फ़ैसला कर ले कि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारूँ, तभी मैं वो ज़िंदगी गुजार सकता हूँ जो मेरे लिए भी हर लिहाज से मुफीद होगी। मेरे घर वालों के लिए भी मुफीद होगी, मेरे पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मेरे ख़ानदान वालों के लिए भी मुफीद होगी और उसका फ़ायदा बढ़ते 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 दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंच जाएगा। आप सोचो ज़रा कि जब कोई इंसान, किसी इलाके के लोग, किसी बस्ती के लोग पाक साफ ज़िंदगी गुजारने लगते हैं, बुरे और नामुनासिब और गंदे कामों से बचते हैं,
धोखा नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, गरीबों का हक नहीं मारते, बदकारियां नहीं करते, जुल्म नहीं करते, इंसाफ करते हैं। तो उस पूरे इलाके के मौसम पर असर पड़ता है। उस पूरे इलाके में सही वक्त पर ज़रूरत के मुताबिक बारिशें होती हैं, मछलियों को सुकून मिलता है, चूंटियों को ग़िज़ा मिलती है, दूर दूर तक असर पहुंचता है मेरे और आपके एक एक अमल का। हम अपनी अहमियत को पहचान ही नहीं, हम अपने आमाल की तासीर को नहीं पहचाने। इंसान सुधरता है तो खुश्की से लेकर समंदर तक हर तरफ बरकतें, चैन व सुकून और अमन व इत्मीनान फैलता है। और हम इंसान बिगड़ते हैं तो जानवरों को भी परेशानी होती, परिंदों को भी परेशानी होती, मछलियों और चूंटियों को भी परेशानी होती, दरख्तों को भी परेशानी होती, ज़मीन को भी परेशानी होती। ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس। इसीलिए जब परिंदों को, मछलियों को, जानवरों को, चूंटियों को जब राहत मिलती है तो वो इतनी समझ रखते हैं। गौर करो ज़रा इस बात पर, वो ये समझ रखते हैं कि इस इलाके के इंसानों ने अपना ताल्लुक अपने मालिक से ठीक कर लिया और पाक दामन बन गए, तो इसलिए हम चूटियाँ, हम मछलियाँ, हम परिंदे, हम जानवर, ऐसे इंसानों के लिए हमको दुआ करना चाहिए। अल्लाहु अकबर। वो चूटियाँ, वो मछलियाँ, वो बेजान नज़र आने वाले, ना समझ नज़र आने वाले जानवर हम में से अक्सर इंसानों से ज़्यादा समझ रखते, उन्हें खबर है कि हम जो परेशान हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, और हमको जो चैन और खुशहाली मिल रही है ये किसकी वजह से मिल रही है। एक इंसान जब बिगड़ता है तो लाखों की मुसीबत का गुनाह लेकर दुनिया से जा सकता है, और एक इंसान जब नेक, शरीफ, पाक दामन बनता है तो लाखों की दुआएं लेकर दुनिया से जा सकता है। इंसान की तो कौन सी दुआ कबूल होगी, कौन सी नहीं होगी, इसको यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंसान की दुआओं की कबूलियत की शर्तें हैं। अगर कोई हराम कमाई खा रहा है, हज़ार दुआ करता रहे उसकी कोई दुआ कबूल नहीं। लेकिन अजीब बात है कि जानवर की हर दुआ कबूल होती, इसलिए कि उससे तो कोई गुनाह ही नहीं होता। तो समझदारी की बात है, ये सिर्फ अकीदों की बातें नहीं हैं, समझदारी की बात है।
कि हम अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाएं। अल्लाह पर, अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की सिफात पर अपने यकीन को बढ़ाएं। अपने ईमान को बढ़ाएं, तक्वे को बढ़ाएं। हमसे बड़ी गलती हो रही है, हम दुनिया की चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन शायद ही हम में बहुत कम लोग होंगे, मैं ये तो कहने की हिम्मत नहीं करता, इतने दूर दराज के मुकाम पर जो आप आए हैं ये अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाने के लिए तो आए। हम दुनिया की चीज़ों को बढ़ाने की जितनी मेहनत कर रहे हैं हम उसके मुकाबले में अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाने की वो मेहनत नहीं कर रहे। अपनी नमाजों को बेहतर बनाने की वो मेहनत नहीं कर रहे। अपने अखलाक को बेहतर बनाने की वो मेहनत नहीं कर रहे। तमन्ना तो है, ये भी गनीमत है। अभी हमारे करोड़ों भाई और बहन ऐसे भी हैं कि जिनके दिल में अभी इसकी तमन्ना भी नहीं आई। अल्लाह उन सब के दिल में तमन्ना डाल और उनको और हमको सबको भरपूर मेहनत की भी तौफीक दे। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को बढ़ाने का जो सबसे आसान जरिया है वो है नमाज। नमाज एहतिमाम से पढ़ी जाए, हम लोग अपनी नमाजों को ज़रा बेहतर बनाएं। नमाज इसीलिए दी गई है कि हम अपने अल्लाह से अपने ताल्लुक को बढ़ाएं। नमाज उसका एक मुतय्यन तरीका है। हम उस मुतय्यन तरीक़े पर मेहनत नहीं करते, उसकी क़दर नहीं करते और तमन्ना रखते हैं कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक बढ़ जाए। बराबर कहते रहते हैं किसी से, आपस में एक दूसरे से, कि भाई आप दुआ करें अल्लाह ताला हमको ये दे दे। अल्लाह ने हमको नमाज का अमल दिया ही इसलिए। दुनिया में किसी कौम के पास हर थोड़ी देर के बाद अपने मशगलों को छोड़कर अल्लाह से अपनी मोहब्बत को ताज़ा करने और अपने ताल्लुक को ताज़ा करने का कोई तरीका दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। और उसमें भी अल्लाह ताला ने जो नमाजों का टाइम टेबल दिया, जो निज़ामुल औकात दिया, वो भी बहुत ही खूबसूरत और फितरी।
अल्लाह ताला को पता है कि मेरे बंदों को रोजी रोटी की मेहनत भी करनी है, तो अल्लाह ताला ने सुबह फजर की नमाज के बाद से लेकर जोहर की नमाज तक का लंबा वक्त बिल्कुल फारिग कर दिया कि इसमें तुम अपने रोजी रोटी की मेहनत करो और बीच में हो सके तो इशराक और चाश की रकतें पढ़ लिया करो, अपनी मर्जी से मैं तुम पर पाबंदी नहीं लगाता। आज की दुनिया का जो निज़ामुल औकात है, ये आज की दुनिया में उन लोगों ने बनाया है जिनकी हर चीज़ इंसान की फितरत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क़ुरान में फ़रमाया था وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, जो दिन का वक्त है नहार का, यौम नहीं कहा, यौम तो सुबह से शुरू होकर मगरिब तक रहता है और मगरिब से शुरू होकर सुबह सादिक तक रात रहती है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने पूरा दिन तुम्हारी माश के लिए बनाया है, ये नहीं कहा। जो सुबह से दोपहर तक का वक्त है उसको यौम नहीं कहते अरबी में, उसको नहार कहते। ये वक्त असल में बनाया गया था रोजी रोटी की मेहनत के। उसके बाद नमाज पढ़ो, खाना खाओ, आराम करो, और उसके बाद अब तो बस बार बार मुझसे बातें करो, जल्दी जल्दी मुझसे मोहब्बत ताज़ा करो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। आज के निज़ामुल औक़ात में लोगों की समझ में नहीं आता कि इतनी मशगूल ज़िंदगी में ये मुसलमान पांच वक्त की नमाज पढ़ कैसे लेते। एक बार रेल के सफ़र में असर पड़ी, फिर मगरिब पड़ी, फिर ईशा पड़ी, तो सामने की सीट पर एक गैर मुस्लिम कपल, एक जोड़ा बैठा हुआ था। तो मर्द तो फिर भी अपनी बात को रोक लेता है, मौका महल देखता है, लेकिन वो जो हमारी भाभियां हैं, कुछ इसमें मसलहत है कि वो अंदर न रखें। तो वो कहने लगी, भाई साहब आप लोग रोज़ इसी तरह नमाज पढ़ते हैं बार 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 बार। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र कमाल, हम लोग तो मंगल में भी मंदिर नहीं जा पाते, बच्चे का टेस्ट है और इम्तिहान है, स्कूल है, होमवर्क है, पूरा है, हाँ आप लोग बार बार। मैंने उनसे कहा कि जो बच्चा है ना आपकी गोद में, इसको दिन में कई बार आप देखते हैं? हाँ बार बार देखते हैं, और बच्चा है। मैंने कहा आपको बच्चे से मोहब्बत है, आप अपने बच्चे को बार बार देखती हैं ना, पड़ोस के बच्चे को तो नहीं देखती? हाँ बिल्कुल। तो यह किस्सा मोहब्बत का है। जब आपको अपने खुदा से ताल्लुक़ हो जाएगा, जैसे आपको अपने बच्चे से ताल्लुक़ है, तो आप बार बार उससे मिलेंगे। ये सुनना था कि उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगे मौलाना साहब ये तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि उस खुदा से मोहब्बत की जाती। एक
अजीब तरीका अल्लाह ने हमको दिया है अपने ताल्लुक को बढ़ाने का। अल्लाह ताला हमारी कमियों को दूर कर दे और नमाज की कदर। दोस्तों, अल्लाह के बंदो, अपनी नमाजों को बेहतर बना। दिन में एक बार मोहब्बत की दो रकत पढ़ लिया करो। नमाज इश्क, एक तो होती हैं वो नमाजें जो हम हुक्म की वजह से पढ़ते हैं, बेशक इन हुक्म की नमाजों, हुक्म वाली नमाजों को भी मोहब्बत वाली नमाजें बनाने का आसान तरीका ये है कि अपने इख्तियार और शौक से दो चार रकात मोहब्बत वाली पढ़ लिया करो। ये जो नफलें हैं ना, ये नफलें क्या हैं? ये एहसान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या प्यारा नुस्खा आपने दिया है कि तुम अपने इख्तियार से जब मोहब्बत वाली नमाज पढ़ोगे तो धीरे धीरे नमाज में शौक़ और ध्यान की तुमको आदत पड़ेगी, फिर ये शौक़ और ध्यान नफलों से फ़र्ज़ों में भी मुंतकिल होगा। हमको तो नफलें बहुत बोझ मालूम होती। इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पहलू हमारे दिल दिमाग में आएगा कि ओहो, अब पता चला अगर हम दो चार रकत नफल मोहब्बत की नियत से पढ़ लें कि अल्लाह ये मैं मगरिब की नमाज के बाद और अब ये जो मैं चार रकत दो दो करके अवाबीन की नियत से नफलें पढ़ना खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह इसलिए खड़ा हो रहा हूँ कि मेरी अंदर आपकी मोहब्बत आ जाए, ये वाली नमाज में मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। धीरे 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 नमाज में एक कैफियत पैदा होनी शुरू होगी। अल्लाह ताला हमसे ये चाहते हैं कि जैसा साफ सुथरा दिल मैंने तुमको देकर दुनिया में भेजा, किसी इंसान के दिल पर पैदाइश के वक्त में एक भी धब्बा नहीं होता। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरे बंदों और मेरी बंदियों, मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि ये दिल नाम का जो नाजुक हसीन आबगीना मैंने तुमको दिया है, इसको दाग धब्बों से बचाकर वैसा ही साफ सुथरा मेरे पास लेकर आ जाना जैसा साफ सुथरा देकर मैंने तुमको दुनिया में भेजा है, फिर मैं तुमको इनाम दूंगा। दुनिया में भेजने का मकसद ही यह है कि मैं तुमको एक दिल देकर भेज रहा हूं और मैं बहुत तरकीबें भी तुमको समझाऊंगा कि इस दिल को साफ सुथरा रखना कैसे। घबराओ मत, क्योंकि ये सुनते ही मैं देख रहा हूं कि सुनने वालों के ऊपर एक घबराहट आ रही है कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। वाकई इसमें कोई शक नहीं, मुश्किल काम है। तो क्या आप चाहते हैं कि जन्नतें बगैर मुश्किल काम किए ले लें? एक माचिस तो मिलेगी नहीं बगैर कीमत के। जन्नत चाहते हैं हम, जन्नत महंगी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अला इन सिलअतल्लाहि गालिया,
इंसान जब अपनी अकल से सोचता है कि दिल को साफ सुथरा रखना है तो फिर उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि मैं तर्क दुनिया कर दूं। न घर, न बीवी, न बच्चे, न कारोबार, न उलझन, न कुछ, कहीं दूर पहाड़ों में जाकर बस जाऊं, चाहे पत्ते चबाने पड़े, चाहे भूखा रहना पड़े, नंगा रहना पड़े, इसके बगैर मैं अपने दिल को धब्बों से बचा नहीं पाऊं। जब आम इंसान अपनी आम अकल से अपने दिल को हर दाग धब्बे से बचा कर जिंदगी गुजारने का कोई तरीका सोचता है तो उसकी समझ में संन्यास और रहबानियत के सिवा कोई रास्ता नहीं आता। ये तो दुनिया में लोग संन्यास लेते हैं मुख्तलिफ कौमों में, ये कोई बुरे मकसद से नहीं लेते, इनके अंदर एक बहुत अच्छा जज्बा जागता है और वो ये कि मैं अपनी रूह को, अपनी आत्मा को शुद्ध रखूं, अपने दिल को बिल्कुल पाक साफ रखूं, और ये हो ही नहीं सकता उसके बगैर कि मैं सब दुनिया के झमेलों से दूर कहीं अकेला जाकर जीऊं और मर जाऊं। यही एक रास्ता है, इसी को अरबी में रहबानियत कहते हैं और इसी को हमारे मुल्क की जबान में संन्यास कहते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि ये तो तुमने खुद अपने लिए रास्ता सोचा है, वह रहबानी यतनी तदाऊ है मैं कतबना हारे, हमने तुम्हारे दिल के चमकने के लिए ये रास्ता तजवीज़ नहीं किया था, तुमने खुद सोचा है। और ये वाकई इंसान जब अपनी अकल से सोचता है तो यही उसकी समझ में आता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा करता है एक भी धब्बा लेकर मेरे पास वापस मत आना, और जब इंसान इसके जवाब में अल्लाह से ये कहता है कि अगर ये बात है कि बेदाग दिल लेकर आपके पास वापस आना है तो फिर आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये घर बार कारोबार, बीवी बच्चों, रिश्तेदारों, ख़ानदान, मोहल्ला, पड़ोस, इन झमेलों के साथ मैं अपने दिल को धब्बों से नहीं बचा सकता। तो जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आता है कि नहीं, खबरदार, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में तर्क दुनिया हराम है, दुनिया को नहीं छोड़ सकते तुम। क्या दिलचस्प तारीख है, बाद सहाबा किराम के दिल में भी यह ख्याल आया। और वाकई जब इंसान के ऊपर एक नशा सवार होता है और मजा आता है और फिक्र होती है, अहमियत का एहसास होता है, तो उसका दिल चाहता है कि भाई अब ये सब छोड़ो। तो सहाबा जंगल में तो नहीं जाते थे इसलिए कि अल्लाह के महबूब को छोड़कर वो जा भी नहीं सकते थे, उनके चेहरे के दीदार से तो उनके दिल के चिराग रोशन होते थे। लेकिन उन्होंने चुपके चुपके ये फैसला किया कि मैं मुस्तकिल रोज़े रखूँगा, मुस्तकिल, और पूरी रात
मोहब्बत का इजहार अपने अल्लाह के सामने करूंगा। इस तरह मैं रहते हुए मदीने में तर्क दुनिया कर रहा हूं, करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसकी खबर पहुंची। तो आपने उनको समझाया कि देखो, तुम्हारा मकसद बहुत प्यारा है, लेकिन तुम इस पर गौर करो कि मैं जो तरीका सिखा रहा हूं कौल और अमल से, उस तरीके पर पूरे पूरे चलोगे तो दुनिया में तमाम जिम्मेदारियां अदा करते हुए अपने दिल को 100% धब्बों से बचा ले जाओ। वाह रे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्या एहसान है, क्या मौजज़ा है आपका। आपने एक मिसाल दी एक मौके पर कि ये बताओ कि तुम में से किसी के घर के दरवाजे के बाहर बिल्कुल करीब कोई दरिया बह रहा हो और तुम दिन में 5 बार उसमें नहाओ तो तुम्हारे बदन पर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगा? लोगों ने कहा कि क्या सवाल पैदा होता है कि कोई मैल कुचैल कोई धब्बा बचे उसके बदन पर। तब आपने फरमाया कि जो 5 नमाजें तुमको दी गई हैं ना, ये तुम्हारे दिलों पर बार बार लगने वाले धब्बों को धोने के लिए। बेशक मैं जानता हूं कि तुम जब दुनिया में मशगूल रहोगे तो कभी गुस्सा भी आएगा, कभी कुछ जुबान से कुछ गलत बात भी निकल जाएगी, कभी आंख कुछ गलत देख लेगी, कभी कुछ ख्याल गलत आ जाएगा, उसका धब्बा पड़ेगा, लगेगा तुम्हारे दिल पर। लेकिन फिर तुम उसके बाद जो नमाज पढ़ लोगे तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, वो धब्बा तुम्हारे दिल से धुल जाएगा। वाह रे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बहुत बड़ा जुल्म अपने ऊपर कर रहे हैं कि अपनी नमाज को बेहतर नहीं बना रहे, बड़ी भूल हमसे हो रही। ये नमाज के बाहर के जो जिक्र बताए जाते हैं, चाहे वो मुराकबा हो चाहे वो तस्बीहात हो, ये असल में नमाज को बेहतर बनाने के लिए बनाए जाते, बताए जाते। قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، बिला शुबा कामयाब हो गया वो दिल, वो शख्स जिसका दिल धब्बों से पाक साफ हो गया। और उसने क्या किया, अल्लाह के नाम का जिक्र किया और उसके बाद नमाज पढ़ी। ये तरतीब है। इसलिए हमारे बड़े हमको ये बताते हैं कि तुम सब परेशान हो इसके लिए कि तुम अपनी नमाजों में ध्यान नहीं पाते हो। हर शख्स इसी का रोना रोता है। उसकी तरकीब ये है कि तुम अपने मशगलों से उठकर एकदम से नमाज में खड़े हो जाते हो, अजान के बाद भागते हुए आते हो अपने दफ्तर से अपनी दुकान से, और अब तो इस ज़माने में तो गोया मस्जिद के दरवाजे तक
वजू खाने तक मोबाइल से बात करते हुए आते हो और उसके बाद एकदम से नमाज के लिए खड़े हो जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हीं ख्यालों में कैसे उलझा नहीं रहेगा जिसमें तुम अभी तक मशगूल थे। इसलिए ज़रा और थोड़ी सी और कोशिश करो कि नमाज के लिए खड़े होने से पहले थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, थोड़ी दुआ मांग लिया करो, ए अल्लाह अब मैं नमाज के लिए खड़ा होने वाला हूँ, अल्लाह अब मैं नमाज के लिए खड़ा होने वाली हूँ, हे अल्लाह ए अल्लाह ए अल्लाह मुझे अच्छी नमाज अता फरमा, नमाज में ख्यालात से मुझे बचा ले, अल्लाह ऐसी नमाज मुझे पढ़ने की इस वक्त तौफीक दे दीजिए जो आपको पसंद आ जाए। पहले ये दुआ मांग लो, उसके बाद नमाज के लिए खड़े होगे तो जिन मशगलों और ख्यालात में उलझे हुए आए थे उनके और नमाज के दरमियान एक तुमने अमल किया तो उस अमल का असर तुम्हारी नमाज के ऊपर इंशाअल्लाह गालिब आ जाएगा। न सही पूरी चार रकत में 100% इस्तेहजार और हुजूरी शुरू में न भी हो तब भी नमाज के एक न एक हिस्से में तुम्हारा दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता इसका जो तनासुब है वो बढ़ता चला जाए और मुस्तकिल ये मेहनत करते रहोगे तो एक न एक दिन तुमको वो नमाज भी नसीब हो जाएगी जिसमें तुम तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक एक लम्हे के लिए भी अपने अल्लाह से गाफिल नहीं हुए हो और उस नमाज के बाद तुमको फिर जो लज्जत मिलेगी, जो चैन मिलेगा, तुम्हारी आंखों में जो ठंडक उतरेगी, कलेजा तुम्हारा जो तर हो जाएगा, तब तुमको पता चलेगा कि अरे मैं लज्जतें कहाँ ढूंढ रहा था, मैं लज्जतें गुनाहों में ढूंढ रहा था, मैं दिल का चैन और इत्मीनान मासियत में ढूंढ रहा था। दिल का चैन और इत्मीनान तो अल्लाह के कदमों पे अपना सर रख देने में मजा आए, महसूस हो कि मैं अपने मालिक के कदमों का बोसा ले रहा हूं। क्या नसीब था उन अल्लाह वालों का जिनकी शायद हर नमाज ऐसी होती थी। हमारे मुल्क में पिछली सदी में एक शख्सियत गुजरी, हज़रत मौलाना शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह। एक बार उन्होंने अपने किसी ख़ास चहीते शागिर्द से कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं जब भी सजदे में सर रखता हूँ कभी तो ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने रब के कदमों को चूम रहा हूँ और कभी ऐसा महसूस होता है कि मेरा रब मेरे माथे का बोसा ले रहा है। इल्लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। हमें और आपको भी ये कैफियत मिल सकती, कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन जिस बंदे का मैंने नाम लिया उसको मिली कैसे? ओह हो, किसी चीज़ को जब इंसान मकसूद बनाकर मेहनत करने में लग जाता है और उसकी धुन सवार हो जाती है तो वो चीज़ उसको मिल ही जाती है। उस बंदे ने 30-40 साल इसी बात पर मेहनत की कि मुझे नमाज वो मिल जाए जिसमें मैं लम्हे भर के लिए भी अल्लाह से गाफिल ना हूँ। मारा मारा फिरता था वो बंदा,
जहाँ ख़बर मिलती थी कि फ़लाँ शख्स की नमाज बहुत अच्छी है, तो चाहे पचासों सैकड़ों मील पैदल चलना पड़े, चलकर उस बंदे की नमाज देखने के लिए पहुँच जाते थे। उसको नमाज पढ़ता हुआ देखते थे और उसके बाद फिर ख़ुद वैसी ही नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे और अल्लाह की खुशामद करते थे कि अल्लाह, मैं इतनी दूर यहाँ जो आया हूँ, आप तो देख रहे हैं कि अपनी नमाज को बेहतर बनाने के लिए आया हूँ, और तो मुझे कुछ मकसूद नहीं, मेरी नमाज अच्छी कर दीजिए। तो क्या अल्लाह इतना बेरहम है कि इतने सच्ची तलब वाले को नमाज नहीं देगा? नमाज की लज्जत और हकीकत सच्ची तलब के बग़ैर नहीं मिला करती। और एक बार नमाज मिल जाए तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है। जिसकी नमाज अच्छी होती है उसका खात्मा बहुत अच्छा होता है, ये बिल्कुल पक्की बात है। जिसकी नमाज अच्छी होती है उसका खातिमा बहुत अच्छा होता है। अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि हमारी नमाज अच्छी नहीं है, जिसकी नमाज अच्छी होती है उसको सच्ची तौबा नसीब, वो अपनी कमज़ोरियों को चुन चुन कर अपने अंदर से निकालने में कामयाब हो जाता है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज अच्छी हो जाती है तो ज़िंदगी से सारे गुनाह निकल जाते हैं। हम रोना रोते हैं कि गुनाह नहीं छूट पा रहे। जो तदबीर बताई है अल्लाह ने गुनाहों से छुटकारा पाने की, उन तदबीरों पर अमल नहीं करते। कुछ किए बगैर सब कुछ पा लेने की तमन्ना अच्छी बात नहीं, कुछ किए बगैर। और यही हमारी बीमारी है कि हम न जिक्र करना चाहते हैं, न मामूलात की पाबंदी करना चाहते हैं, न नमाज को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, न गुनाहों के असबाब से बचने का फैसला करते हैं, और तमन्ना ये रखते हैं कि एक भी गुनाह मुझसे ना हो। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जब किसी दूसरे की चरागाह के करीब हम अपने जानवर को ले जाएंगे तो वो जानवर उस दूसरे की चरागाह में ज़रूर मुंह मार देगा। हम जब अपने नफ्स को गुनाहों के मौके में ले जाएंगे तो ज़रूर हमारा ये नफ्स हमसे गुनाह करा देगा, बाद में पछताते रहो। न हमसे नफली रोज़े रखे जाते हैं, जबकि अल्लाह के रसूल ने ख़ास तौर पर नौजवानों को मशवरा दिया था कि रोज़े रखा करो कसरत से, नफली रोज़े रखा करो, उससे गुनाहों से बचना तुम्हारे लिए आसान हो। तो अजीज़ो, अल्लाह और रसूल की बताई हुई तरकीबों पर अमल किए बग़ैर सब कुछ पा लेने की तमन्ना, ये क्या अच्छी बात है? और दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या हम सब का यही हाल है? इस ज़माने में मकसूद बनाकर, मतलूब बनाकर अपनी इस्लाह की कोशिश करने वाले खाल खाल नज़र आते हैं। तमन्ना रखने वाले बहुत नज़र आते हैं,
दुआ कराने वाले बहुत नजर आते, खुद दुआ मांगने वाले बहुत कम नजर आते। वरना अल्लाह कितना मेहरबान है, अल्लाह अकबर। अल्लाह की मेहरबानी की एक यही दलील काफी है कि हम सब दीन की महफिल में बैठे। मेहरबान न होता तो कसम बखुदा हम बैठने के लायक नहीं थे। और उससे ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी की यही दलील काफ़ी है कि सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ बंदा कुर्सी पर बैठकर बयान कर रहा है। ये मेहरबानी है, ये सत्तारी है, बहुत करीम है। हाय, शहर बगदाद में एक बहुत रईस शख्स रहा करता था, बहुत दौलत थी उसके पास। अचानक वो एक बीमारी में मुब्तला होकर चटपट दुनिया से चला गया। एक ही बेटा था उसका, सारी दौलत उसको मिल गई मुफ्त में और बगैर मेहनत के। अगर दौलत मिल जाती है तो अक्सर उसकी कदर नहीं होती, उसका सही इस्तेमाल नहीं होता। चुनांचे उस बेटे ने भी उस दौलत को शराब में, कबाब में, शबाब में लुटाना शुरू कर दिया। अय्याशियाँ, बदकारियाँ, फजूल खर्चियाँ, यहाँ तक के इन हरकतों की वजह से मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो, बिस्तर से लग गया। इलाज होता रहा मगर किसी इलाज से कोई फायदा नहीं होता था। उसकी माँ, बेवा माँ, वो बहुत नेक थी। उस जमाने में सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़ी शख्सियत थे और लाखों लोग उनसे अपनी इस्लाह कराते थे। उस नौजवान लड़के की माँ भी उन्हीं से बैत थी और उन्हीं से उनका ताल्लुक था, इस्लाही जाती थी उनकी मजलिसों में। बहुत समझाती थी अपने बेटे को, बहुत रोती थी, लेकिन वो था कि जवानी का और दौलत का एक नशा था, नहीं समझ में आता था। यहाँ तक के नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो भी समझ गया कि बस अब मैं एक का दो दिन का मेहमान हूँ। अलामतें जो होती हैं वो ज़ाहिर होने लगीं और फिर उसके माँ ने फिर समझाया, बेटा अब भी चला चले चलो, तुम हज़रत हसन बसरी की मजलिस में चले चलो, वहाँ चल के तौबा कर लो। लेकिन नहीं माना। यहाँ तक कि जब बिल्कुल ही मौत का वक्त करीब आ गया तो उसको एहसास हुआ और उसने कहा, माँ
अब मैं जाने के हाल में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तौबा करना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। बल्कि मुझे क्या ले चलो, मैं जा तो पाऊँगा नहीं, तुम जाकर उनसे इतनी दरख्वास्त कर दो कि मेरा एक नालायक बेटा मरने वाला है, आने के हाल में नहीं है, सांस उखड़ने लगी है, आप खुद तशरीफ़ ले चलिए और उसको तौबा करा दीजिए। माँ, फिर माँ है, माँ की ममता ने जोश मारा, खुश हो गई। माँ इतनी नेक थी कि मरने की फिक्र या मरने का डर तो था ही कि मेरा बेटा अब नहीं बच पाएगा, उससे ज़्यादा वो इसके लिए रोती तड़पती थी कि मरने के बाद मेरे बेटे का क्या हश्र होगा। जब बेटे की ज़ुबान से ये बात सुनी तो माँ के दिल में उम्मीद जाग गई। माँ ने जल्दी से बुरका ओढ़ा और भागी। हज़रत के पास पहुँची इजाज़त लेकर और कहा कि हज़रत, आपसे अपने जिस बेटे के लिए मैं बार बार दुआ कराती थी, अब वो लगता है कि बिल्कुल मरने वाला है। अभी तक तो बहुत समझाने के बावजूद उसकी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब वो तौबा करना चाहता है। उसने मुझे भेजा है कि मैं जा तो नहीं पाऊँगा, हज़रत आ जाए मुझे तौबा करा दे। हज़रत हसन बसरी ने कहा कि देखें भाई, मैं तो इस वक्त अभी मुझे दरस हदीस देना है, हज़ारों लोग इंतज़ार में हैं, मैं तो नहीं जा सकता, माज़रत कर ली। माँ बेचारी रोती हुई वापस आ गई। बेटा टकटकी बांध कर देख रहा था। माँ आई, बेटे ने पूछा कि क्या हुआ। माँ ने कहा, बेटा तेरा नसीब ख़राब है, मैं ज़िंदगी भर तुझसे कहती रही कि तू चल, तू नहीं माना, आज उनसे दरख्वास्त की तो उन्होंने भी माजरत कर दी, और उनको माजरत करने का हक है। ये सुना बेटे ने, एक चीख निकली उसकी ज़ुबान से और उसने अपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं आपका इतना नालायक और नाहंजार बंदा हूँ कि मैं तौबा करना चाहता हूँ मगर मुझे तौबा करना नहीं आता। और हज़रत हसन बसरी ने भी आने से इनकार कर दिया। अल्लाह, अब मैं आपसे सिर्फ सीधी सादी ज़ुबान में कहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, 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 मुझे माफ़ कर दे। यही माफ़ी कर मांगता हुआ, इस्तग़फ़ार पढ़ता हुआ वो दुनिया से रुख़सत हो गया, इंतकाल। थोड़ी देर माँ बैठी रोती रही, चादर से उसको ढांक दिया। मोहल्ले वालों से कहा कि मैं तो घर में अकेली औरत हूँ, इसको गुस्ल देना, कफन पहनाना, दफन करना, आप लोग कर लो ये काम। लोगों ने कहा कि आप पर्दे में चले जाएं, हम आकर उसको ले आते हैं, फिर सब कुछ कर लेंगे, आप फिक्र न करें। लोग आए और उसको ले गए, गुस्ल शुरू हो गया। माँ के दिल में फिर एक तमन्ना जागी, सलाम हो माँ की मोहब्बत पर, क्या चीज़ होती है माँ। माँ ने सोचा, एक बार हज़रत के पास जाऊँ फिर और कहूँ कि कम से कम नमाज जनाजा ही पढ़ा दीजिए, शायद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने की बरकत से मेरे बेटे की मग़फ़िरत हो जाए। फिर पहुंची, फिर हज़रत से दरख्वास्त की। हज़रत को ये सुनकर उस वक्त मामूल के ख़िलाफ़ एक जलाल आ गया, गुस्सा आ गया, नाराज़गी आ गई। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि जिसने ज़िंदगी में कभी एक नमाज नहीं पढ़ी, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। लोगों, अगर हमारे तुम्हारे घरों में अल्लाह न करे कोई ऐसा बेटा बेटी हो कि वो बिल्कुल नमाज न पढ़ता हो, तो हाथ पैर जोड़ के खुशामद करके
कम से कम नमाज पर ले आओ। बहुत से फुकहा का ये मसलक है, उनकी तहकीक है कि जो बेनमाजी हालत में दुनिया से जाएगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज़ नहीं है। हज़रत हसन बसरी का यही मसलक था, फरमाया मैं नहीं पढ़ाऊँगा नमाज। फिर माँ वापस आ गई रोती हुई, मोहल्ले वालों ने आकर कहा कि अम्मा जनाजा तैयार है, नमाज कौन पढ़ाएगा। माँ ने कहा कि बेटा आप लोग आपस में मशवरा कर लो, मोहल्ले में जिससे चाहो पढ़वा लो। जी अच्छा, वो लोग तैयारी करने लगे, मशवरा करने लगे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, ये औरत बेवा औरत दरवाजे पर गई, पूछा कौन सा मैं, तो बाहर से जवाब आया मैं हसन हूँ। हजरत आप तशरीफ लाए। हाँ, तुम्हारे बेटे की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूँ। अल्लाहु अकबर, हजरत आपने तो मना फरमा दिया था। कहा हाँ बिल्कुल सही है बहन, मैंने मना कर दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो मेरे कैलूले का वक्त था, मैं ज़रा देर के लिए कैलूले के लिए से लेटा, मेरी आँख लगी तो मैंने ऐसा सुना कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं हसन अभी भी मौका है, जल्दी जाओ, मेरे एक वली की नमाज जनाजा पढ़ाने से तुमने इनकार कर दिया। अगर तुमने मेरे वली की नमाज जनाजा न पढ़ाई तो जो कुछ तुम्हारे सीने में है मैं सब छीन लूंगा। कितने मेहरबान हैं अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम अपने अल्लाह को नहीं पहचाने, हम अपने अल्लाह को नहीं पहचाने। जिंदगी भर का गुनहगार जिसने एक नमाज भी न पढ़ी, मरते वक्त तौबा कर ली उल्टे सीधे अंदाज से, और अल्लाह ने क्या किया, सिर्फ माफ़ नहीं किया, उसको अपना दोस्त बना लिया। क्यों भाग रहे हैं अपने अल्लाह से, क्यों दूर जा रहे हैं, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला ढूंढ सकते हैं हम। ना कदरी की इंतहा है। अल्लाह हम बड़े ना कदरे ना शुक्रे हैं, हमें माफ कर दीजिए अल्लाह, माफ कर दीजिए। आओ अल्लाह से तौबा कर ले, दुआ मांग लो। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आप कितने करीम कितने प्यारे, अल्लाह अल्लाह। जब रात आती है तो आप इंतज़ार करते हैं कि दिन का गुनहगार अब शायद आ जाए मुझसे माफ़ी मांग ले। जब दिन निकलता है तो आप इंतज़ार करते हैं कि रात का गुनहगार अब शायद मुझसे माफ़ी मांग, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए अल्लाह, माफ़ कर दीजिए।
उस नौजवान की मकबूल दुआ का वास्ता अल्लाह माफ कर दे। उसकी माँ की ममता का वास्ता अल्लाह माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अल्लाह हम आपको नहीं पहचाने, नहीं पहचाने, नहीं पहचाने। हम दूर भागते रहे और आप पीछे पीछे चलते रहे। आज माफ कर दीजिए अल्लाह, वैसे ही तौबा करते हैं वैसे ही तौबा नसीब फरमा दीजिए अल्लाह। हे अल्लाह, हे अल्लाह, अपनी अपने से ताल्लुक बढ़ाने का शौक दे दीजिए अल्लाह, इस गफलत से छुटकारा दे दीजिए अल्लाह। माँ अल्लाह, अल्लाह इस गफलत से छुटकारा दे दीजिए, इस गफलत से छुटकारा दे दीजिए। اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. अल्लाह तक्वा नसीब फरमा, अल्लाह तक्वा नसीब, अच्छी नमाज अता फरमा, अच्छी नमाज अता फरमा, अच्छी नमाज अता फरमा, अच्छी नमाज अता फरमा अल्लाह, अच्छी नमाज अता फरमा अल्लाह, अच्छी नमाज अता फरमा, शौक वाली नमाज, हुजूरी वाली नमाज अल्लाह, सेहत और आफियत नसीब फरमा, सेहत और आफियत नसीब फरमा। अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुका सिहतन, अल्लाहुम्म इन्ना नसअलुका सिहतन फी ईमान व ईमानन फी हुस्न खुलुक, नसअलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियना, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. अल्लाह एक बार, एक बार, एक बार इस पूरे मजमे को अल्लाह उसी प्यार की नज़र से देख लीजिए अल्लाह, आपसे बढ़कर कोई प्यार करने वाला नहीं और हमसे बढ़कर कोई नाकदरा नहीं। अंधे हो गए हम, आपका प्यार दिखाई नहीं पड़ता अल्लाह। अल्लाह बहरे हो गए हम, आपकी मोहब्बत की मौसीकी सुनाई नहीं पड़ती अल्लाह। अल्लाह अल्लाह पत्थर हो गए हमारे दिल अल्लाह, पत्थर हो गए हमारे दिल। पत्थरों से भी तो पानी बह पड़ता है लेकिन हमारी आँखों से तो पानी भी नहीं निकलता अल्लाह। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह, इस मजमे पर नज़र डालिए, कोई एक तो होगा कोई तो होगा कोई होगा उसी नौजवान की तरह का
अल्लाह कोई शर्मिंदा गुनहगार बैठा होगा, अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं, मस्तूरात भी आमीन कह रही हैं, और न जाने दूर दराज कौन बैठा हुआ अल्लाह आमीन कह रहे हैं। हे अल्लाह 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 अल्लाह, हम सबको आज माफ कर दीजिए, हम सबको माफ कर दीजिए, हम सबको नेक बना दीजिए। अल्लाह दीन के काम दुनिया में जहाँ भी हो रहे हैं उन्हें कबूल फरमा, उनके करने वालों को आपस में मुत्तहिद फरमा। अल्लाह यहाँ टूटी फूटी कुछ मेहनतें हो रही हैं, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिस किस्म के निज़ाम तालीम की अब इस वक्त आपके महबूब की उम्मत को ज़रूरत है, अल्लाह उस निज़ाम तालीम को कायम करवा दीजिए। हम में सलाहियत नहीं है, हमारे पास असबाब भी नहीं है, हमारे पास अफराद भी नहीं है, हम फ़कीर हैं, खाली हाथ हैं। अल्लाह हमारे पास इल्म भी नहीं है, अक्ल भी नहीं है, तजर्बा भी नहीं है, मैदान में कूद पड़े हैं बगैर किसी तैयारी के। अल्लाह लाज रख लीजिए, लाज रख। ए रब करीम, जो बच्चे इस मदरसे में पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे को अल्लाह मुल्क की हिदायत के लिए मुंतखब कर लीजिए, अल्लाह आलम की हिदायत के लिए चुन लीजिए, इनमें से अल्लाह एक एक बच्चे को आलिम रब्बानी बना दीजिए, अल्लाह दाई अल्लाह, आलिम कुरान, खादिम कुरान, आशिक कुरान, दाई कुरान बना दीजिए, हाफिज कुरान। ए अल्लाह एक मिसाली मदरसा कायम करवा। रब करीम, कुछ काम हो गया तो आप ही का तो चर्चा होगा, लोग यही कहेंगे कि ये लोग जो यहाँ लगे थे ये तो बड़े निकम्मे थे, इनसे तो नहीं हो सकता था, ये तो अल्लाह ही ने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम आपके कसम खा के कहते हैं हमारे पास कोई सलाहियत नहीं, हमने आते अल्लाह कमजोर कमजोर, अल्लाह एक बूढ़ा कमजोर बीमार बंदा परदेश में आके पड़ा है, अल्लाह अल्लाह इसका साथ देने वालों को जदाए खैर अता फरमा, बेहद अजर अता फरमा, अल्लाह अल्लाह। गरीब गरीब लोग अल्लाह हर मजलिस में ऐसे हौसलों का इजहार करते हैं कि रात रात भर आंसू नहीं रुकते, अल्लाह अल्लाह इनकी झोलियों में बरकत डाल दीजिए, अल्लाह इनको खुशहाल बना दीजिए, अल्लाह इनको बाबरकत रोजी अता फरमा, अल्लाह इनके हौसलों को बुलंद फरमा, इनके भरोसे की लाज रख लीजिए, इनकी मोहब्बत की लाज रख लीजिए। हम सबको अपने दीन पर मर मिटने का जज्बा दे दीजिए, देखा नहीं जा रहा पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा की कमजोरियों का हाल, मजलूमियत का हाल। रब करीम तारीख का वरक पलट दीजिए, तारीख का वरक पलट दीजिए, नज़्म आलम को बदल दीजिए, नज़्म आलम को बदल दीजिए, नज़्म आलम को बदल दीजिए। अल्लाह मज़लूमों को मुत्तहिद कर दीजिए, मज़लूमों को बहादुर बना दीजिए, मज़लूमों के दिल में अज़्म हौसला डाल दीजिए, मज़लूमों को मुखलिस और सही क़ियादत अता कर दीजिए।
और अल्लाह जालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे, नेस्तो नाबूद कर दे अल्लाह। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा नक्किस आलामहुम, अल्लाहुम्मा फुल हद्दहुम, अल्लाहुम्मा खुदहुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर। रब करीम, रब करीम, हमारी मुख्तलिफ़ जमातें और मुख्तलिफ़ अकाबरीन, अल्लाह जो मुल्क व मिल्लत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा, अल्लाह उन्हें कबूल फरमा, उन्हें मुअस्सिर बना, इखलास के साथ उसमें लगने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस मुल्क में जहाँ जहाँ आने वाले सालों में, महीनों में इलेक्शन होने वाले हैं, रब करीम उन इलेक्शनों के ऐसे नतीजे बरामद हो जाएं जिनसे ये मुल्क तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, अमन और इंसाफ के रास्ते पर आगे बढ़े, ऐसे नतीजे न निकलने पाएं जिनसे मज़लूमों के हौसले और पस्त हो जाएं और ज़ालिमों के हौसले और बुलंद हो जाएं। रब करीम बेवसी का आलम है, कसम पुरसी का आलम है। अल्लाह जिनके दिलों में इस मुल्क से सच्ची मोहब्बत है, उन्हीं को मुल्क का दुश्मन करार दिया जा रहा है। अल्लाह आप गवाह हैं, कोई हमारे सीने को चीर कर देखे, हमारा बस चले तो अपने इस मुल्क को दुनिया का सबसे शानदार मुल्क बना दें। अल्लाह कभी ये था बहुत शानदार, अल्लाह वो दौर वापस कर दीजिए, वो दौर वापस कर दीजिए। अल्लाह इंसानों को बर्बाद करने वाली और आतंकवाद और दहशतगर्दी फैलाने वाली तमाम कोशिशों को नाकाम फरमा। हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशनों पर जो धमाके कर रहे हैं, बमबारियां कर रहे हैं, या शाम और इराक की ज़मीनों पर जो बमबारियां कर रहे हैं, अल्लाह उन सब को अकल नसीब फरमा, उन सब को इन जराइम को छोड़ देने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कहाँ हैं वो बंदे जो छोटी छोटी कोठरियों में बैठकर पूरे आलम के लिए तड़पा करते थे, पूरे आलम के लिए दुआएं करते थे। अल्लाह वो बंदे इस उम्मत को फिर से अता फरमा और उन बंदों की कदर की तौफीक भी अता फरमा। अल्लाह आपके बहुत से बंदों और बंदियों ने दुआओं के लिए कहा, लिखा या कहना चाहते थे, लिखना चाहते थे, नहीं कह सके। अल्लाह आप तो सबकी बात जानते हैं, अल्लाह सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दीजिए, सबकी दुआओं को कबूल कर लीजिए, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए, बीमारों को शिफा नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह कैदियों को कैद से रिहाई अल्लाह उनके लिए मुकद्दर फरमा दीजिए। ए रब करीम, गुर्बत की मार झेल रहे अपने गरीब बंदों और बंदियों पर रहम फरमा, मज़दूरों और किसानों पर रहम फरमा, औरतों और बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज फरमा। ए रब करीम, हमारी बच्चियाँ कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली हों अल्लाह, या ऑफिसों में काम करने वाली हों अल्लाह, सब हमारी जिगर के टुकड़े हैं अल्लाह, सब की इज़्ज़तों को महफूज फरमा। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, कोई बुद्धिस्ट हो, और कोई किसी भी मज़हब को चाहे न मानने वाला हो, अल्लाह सब आपके बंदे हैं, सब आपकी बंदियां हैं। ए रब करीम, इन सब को अल्लाह अपने को पहचानने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कोई शक्ल निकाल दीजिए, कोई रास्ता निकाल दीजिए, इस मुल्क में मज़लूमों को एकजुट हो जाने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे को पहचान कर एक काफिला बन जाने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाहा जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, और जो नहीं मांग सके अल्लाह वो भी अता फरमा दीजिए। हम सब की तरफ से अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद व सलाम भिजवा दीजिए, हम सब की तरफ से उनकी खिदमत में भी और उनके अहले बैत अतहार, असहाब व सहाबियात, उनकी आल, उनकी ज़ुर्रियत तय्यबा, अज़वाज मुतहरात, और अल्लाह उनके नक्श कदम पर चलने वाले तमाम उलमाए रब्बानीयीन और तमाम अनमारे अकाबिर असलाफ की खिदमत में भी और उन्हीं के रास्ते पर हम सबको जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دوستو آج ترتیب تھوڑی سی بدلی ہے، آپ سب بہت توجہ سے بیٹھے رہیں. ابھی میں بیعت کی کلمات، توبہ کی کلمات پڑھاتا ہوں، آپ سب توبہ اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھ لیں. جو حضرات کسی اور سے بیعت ہو چکے ہیں یا ابھی بیعت ہونے کا ارادہ نہیں ہے، وہ صرف توبہ ہی کی نیت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. چند معمولات ہیں، روزانہ صبح شام دو دو تسبیح استغفار کی اور درود شریف کی. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، اور اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول ہے قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں. اور چوتھا معمول ہے مراقبہ، جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں. ان تینوں معمولات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے یہ مانگیے کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. اس کے بعد کوشش کریں کہ یہ تصور میں بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے. آنکھیں بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر لگا کر بس اسی سوچ میں کھوئے بیٹھے رہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا، صرف یہ سوچنا ہے اور تصور کرنا ہے 20-25 منٹ صبح، 20-25 منٹ شام، کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اور میں دل کے کانوں سے سن رہا ہوں.